सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आपके साथ क्या किया उन्होंने? बस जी पीछे इतना मोटा लटते थे ना हमारा पीछे, और एक ईट मारी ऐसी सिर पर फेंक के, और वे आके कहने लगे कि तुमने डीजे कैसे बजवाया, तब डीजे की जगह अधिकार नहीं रखा, तुम घोड़ी पे कैसे बैठे, तुम पैदल जाने वाले चमारो, तुम गिट्टलो। क्या बोले वो? ये बोला था कि ये यहाँ पे चमार इस गाने को क्यों बजाते हैं, क्योंकि उन लोगों का तो कुछ नहीं होता, सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे। और जितने लड़के थे सबके ही चोट लगी थोड़ी थोड़ी, मेरे लड़के का ज्यादा लगी, डीजे फोड़ दिया, डीजे वाले के हाथ में भी चोट लग रही है और सिर में भी लग रही है। घोड़ी पे नहीं तुम नीचे चलो पैदल, जैसे शुरू से करते हैं, मतलब वो जाति विवाद को लेके हमारी बिरादरी पे ऑब्जेक्शन पूरा उठाया। बड़े बुड्ढे घास करते थे, ये घर में ऐस करते थे, आज की संतान्ति नहीं करती, वही है। अब ये चाहते हैं इनके औलादी हमारी गुलाम रहे। जो करेंगे ठीक है, नहीं फिर होगा जो करना है, देखेंगे भी क्या करेंगे। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, फोन में चल रही है, वीडियो में कैमरा रख रखा है, रख रहे बताओ। आप दूल्हे के कैसे रिश्ते में हैं? जी इसका बड़ा भाई दूल्हे का। क्या हुआ था थोड़ा बताओ। बस जी जा रहे थे डीजे बज रहा था हम ऐसे, अरे आके कहने लगे कि तुमने डीजे कैसे बजवाया, तब डीजे की जगह अधिकार नहीं रखा, तुम घोड़ी पे कैसे बैठे, तुम पैदल जाने वाले चमारो, तुम गिट्टलो, मतलब ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे, गाली दे रहे थे, गाली गलोच कर रहे थे। और जी बस लाठी मतलब इतने बड़े बड़े शरीर ले रहे थे वे, आके धमका रहे सबको, इंटी भी ले रहे थे छतों पर के बाल बच्चे, और बहुत ही छत पर भी चढ़ रहे थे, और बस पीछे से हमला कर दिया उन्होंने आके एकदम, और बस जान बचा के भागे वहाँ से। जी आपके साथ क्या किया उन्होंने? बस जी पीछे इतना मोटा लटते थे ना हमारा पीछे, और एक ईट मारी ऐसी सिर पर फेंक के, हम तो यहाँ ज़्यादा रहते भी नहीं, गरीब आदमी भट्टे पर जाए पंजाब 8-9 महीने जी वहीं रहता है। सर हमारे यहाँ पे ना बारात गई हुई थी, मतलब जा रही थी बारात, जा रही थी तो देवता पूजने के लिए गए थे, वहाँ पे एक मतलब गाना बजा था भीम आर्मी वाला, तो उस गाने के ऊपर दूसरी बिरादरी के लोगों ने ठाकुरों ने लड़ाई करी है। ये बताओ गाना क्या था, किस बात पर उनको गुस्सा, क्या कहने लगे थे? भीम आर्मी वाला। अच्छा उस पर कराया उन्होंने झगड़ा। क्या बोले वो? ये बोला था कि ये यहाँ पे चमार इस गाने को क्यों बजाते हैं, इन लोगों ने हमें ये भी कहा है कि कावड़ में देखे जाएगा इन्हें। क्यों भाई हमें कावड़ में क्यों देखे जाएगा, जो मेन बात है सामने आप कर लो ना, बाद में क्यों देखेंगे लोग। क्या धमकी दे रहे हैं? हाँ, अभी भी धमकी दे रहे हैं, और अनाप सलाम हम लड़कियों को बोल रहे हैं, और हमेशा हमारे वाले ही मार खाते आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का तो कुछ नहीं होता, सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे। तो तुम लोग बताओ जी क्या क्या कर रहे हैं, जो ये भूमिया खेड़ा है एक देवता हो रहे हैं पूहा, उनके बिना हमारे बारात नहीं जाती जी, इनके उनके बिना अगर उन पर हम नहीं पूजन जाते तो हमारी बारात नहीं ठीक ठाक लेने करने के लिए। तीनों
थी तो आपके साथ भी कोई मारपीट? हाँ जी, जब मैं जा रही थी मेरे लड़का सिर फाड़ते तो मैं देखण गई तो उन्होंने ईंट बरसा रहे थे, ईंट ऊपर से ठा ठाक दीवार फाड़ फाड़ के, तो मेरे यहाँ से यहाँ पैर में कुल्ले में ईंट लगी, मेरे पे चले फिरे भी नहीं जा रहा। कुछ काम से चला गया था जी खदौली, कुछ सामान रह गया था जो मुझे ले जाना था वहाँ पे, मैं वहाँ चला गया तो छोटे लड़के पर फोन गया, उनको लड़ाई हो रही बहुत तकड़ी, जो लेडीज थी उनकी भी मतलब बेइज्जती पर उतर रहे थे पूरे तकड़े, और जितने लड़के थे सबके ही चोट लगी थोड़ी थोड़ी, मेरे लड़के का ज़्यादा लगी, डीजे फोड़ दिया, डीजे वाले के हाथ में भी चोट लग रही है और सिर में भी लग रही है। क्या बोला उन्होंने किस तरह? उन्होंने बोला कि आप गिट्टड़ हो, चमार हो, ये है, मतलब तुम्हारी क्या औकात है, तुम पैदल चलने वाले आदमी हो, तुम डीजे ला सको या क्या कर सको, घोड़ी पे नहीं तुम नीचे चलो पैदल, जैसे शुरू से करते हैं, मतलब वो जाति विवाद को लेकर हमारी बिरादरी पर ऑब्जेक्शन पूरा उठाया। तो घोड़ी से क्या उतरवा दिया था, क्या हुआ? उतरवा ही दिया था जी। अच्छा, ये बताओ ये जो कावड़ की धमकी है इसके अलावा क्या राजपूतों की कोई पंचायत भी हुई है? हाँ हुई थी सर, कल हुई है सरकारी स्कूल में इनकी, और भी बाहर के आ रहे थे उधर के, यहाँ लोकेश मास्टर के यहाँ हुई है, बाकी वहाँ करी और बाहर से बुला रखे थे उन्होंने इधर उधर से, तो भी बोल रहे की ना अब सभी को देख लो आर पार की कर लो। एफ आई आर वगैरह हुई है? एफ आई आर तो इसमें हो चुकी सर, कलमा थाने में गए थे में। दो लड़कों को लेके गए थे, उनके भी डॉक्टरी करवाई तो उनका भी वहाँ एफ आई आर दोनों की करवा के तो उनके एफ आई आर हो चुकी, जो दो उसमें दो लड़के मुलजिम हैं तो वो उठ चुके हैं, बाकी पांच जो यहाँ यही घूम रहे हैं, वे नहीं उठ रहे, पुलिस आ रही है डेली है उनके पास बैठती है, बस कार्रवाई आगे कुछ नहीं, बस बैठ उठ के वहाँ से चली जाती है। ये बताओ ये ठाकुरों के साथ पहले भी इस तरह की मारपीट या इस तरह के झगड़े? जी जी, हमारे तो काफी हमारे गांव में जो जयंती निकलती थी रविदास जयंती अम्बेडकर जयंती, तो उसमें हम निकालते थे तो इन्होंने हमारे साथ पहले बहुत अत्याचार करा, हमारी जयंती निकलने पर रोक की, हमारी जयंती पीटी, उसके बाद हमारी कभी कोई जयंती नहीं निकली, अगर आज भी हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाते तो हमारी गांव में कभी घुरचड़ी ना निकलती। हमारे लोगों ने इसीलिए डंगर वंगर रखने, भैंस वैंस रखनी बंद कर दी, इसीलिए दूसरे की गुलामी करने से बचने के लिए डंगर ढोर ये भैंस बकरी सब बंद कर दी रखनी। ये बताओ ज़्यादातर यहाँ पिछली पीढ़ी में जो दलित समाज से जो थे वो ज़्यादातर इनके खेतों में ही काम करते थे, क्या मजदूरी इनके लिए करते थे, क्या करते थे? पिछली जो पीढ़ी में थी तो हमारे जो बड़े थे तो इनके मजदूरी में ही काम करते थे, रोजगार तो था ही नहीं, खेती बाड़ी में ही इनके ही लगे रहते, अपने रोटी पानी पर ही खेती बाड़ी में लगे रहते थे, चलो भाई ना जाएगा ना जी चलो ना से थोड़े बहुत पैसे दे दिए उसी में, अब उनसे का गुजारा हो रहा, बच्चे बड़े होते चले गए, स्कूल में जाते रहे, थोड़ी बहुत समझदारी आती रही। अच्छा जी, जब तो इनके इनके डंगरों को भी बड़े बुड्ढे घास करते थे, ये घर में ऐस करते थे, आज की संतान्ति नहीं करती, तो वही है, अब ये चाहते हैं इनको इनके औलादी हमारी गुलाम रहे। तो